नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता। राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी का दर 66%। कहा, उत्तराखंड में प्रवासियों के आने से डरे नहीं। मिशन कोरोना में होटल स्वामियों का मास्टर स्ट्रोक। 14 दिन के लिए रुद्रप्रयाग के सभी होटल प्रशासन से सौंपे। होटलों में बाहर से आने वाले लोगों किया जा रहा क्वारंटीन। लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई। राज्य में अब तक कुल 2961 मुकदमे दर्ज किए गए। लॉकडाउन का मजदूरों का बुरा असर। घर जाने के लिए कलेक्टर के चक्कर काट रहे मजदूर। मजदूरों की मांग पर नहीं हो रही कोई सुनवाई। 3 गांव को जोड़ने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त। लगभग 70 परिवार के ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग बनाने की मांग की। और कोरोना और लॉकडाउन से फूल किसान बेहाल। काश्तकारों की खड़ी फसल खेतों में ही हो रही बर्बाद। कृषि मंत्रालय से मुआवजे की मांग कर रहे किसान। खबरों की शुरुआत करते हैं लॉकडाउन उल्लंघन का। उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई की है। राज्य में आज 34 मामले मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो पुलिस ने आज 446 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में सभी तक 2961 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो वही 17,819 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक 39,528 वाहनों के चालान काटे गए हैं। 6,601 वाहन अब तक सीज किए जा चुके हैं, और वही 2,09,00,000 पुलिस अब तक वसूल कर चुकी है। तो 2,09,00,000 की रकम पुलिस अभी तक चालान के द्वारा वसूल कर चुकी है। राज्य में आज 34 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था और रोजगार भी दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार काफी दृढ़ हो चुकी है इसको लेकर। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। तो वहीं पर इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है, और दूसरे राज्यों से जो प्रवासी मजदूर जो उत्तराखंड लौट रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, और साथ ही साथ उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। स्वागत है। जो आज का हेल्थ स्टेटस है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें 75 केसेस अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिनमें से 50 जो व्यक्ति थे कोविड से इन्फेक्टेड, उनका उपचार हो गया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार से जो इस राज्य में रिकवरी का परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली हाई रहा है, और इस समय भारत का जो समग्र रूप से देखें तो 33% से थोड़ा ज़्यादा रिकवरी है, और इस राज्य में 66% से थोड़ा अधिक है। तो रिकवरी का परसेंटेज इस राज्य में अच्छा चल रहा है। जो हम सैंपल्स की जांच कर रहे हैं उनमें जहां भारतवर्ष में लगभग 4% सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, इस राज्य में जैसा पिछली बार भी हमने कहा था 3-4 दिन पहले, वो 0.73% के ऊपर ही इस वक्त चल रहा है। जो पिछली बार भी जो हमने बताया था आपको कि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनकी टेस्टिंग लगभग 72% जो टोटल सैंपल्स में
पुरुषों की संख्या 72% है, ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, और उस और जो महिलाओं का है वो 28% है। लेकिन जो पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी कि 84% पुरुष हैं और 16% महिलाएं हैं। हमारे जो लैब के अधिकारी कर्मचारी हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो भी काफ़ी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुशीला तिवारी में हल्द्वानी में लगभग 4,500 टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है। एम्स ऋषिकेश ने लगभग 4,000 टेस्टिंग कर ली है। उसी प्रकार से दून मेडिकल कॉलेज, जो कि काफ़ी संख्या में रोगियों का जहां उपचार होता है, वहां भी हमारा जो सेपरेट लैब है उसमें 965 तकरीबन 1,000, और श्रीनगर में भी कार्य प्रारंभ हो गया है। और जो दूसरे हमारे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने भी 864 टेस्टिंग अभी तक की है। 40 लोगों को अभी अन्य देशों से लाया गया है, इनमें बांग्लादेश से 2, सिंगापुर से 6, जो सऊदी अरेबिया से 9, फिलीपींस से 5, यूएई से 7। तो ये जो सज्जन हैं ये सभी दिल्ली में क्वारंटीन में हैं। मालदीव से 9 व्यक्ति आए हैं जो जहाज से आए हैं, ये लोग कोची में हैं, और 2 व्यक्ति उत्तराखंड के, वो इस वक्त लखनऊ में क्वारंटीन में हैं। तो इस प्रकार से 40 की संख्या है जो प्रवासी, चाहे जो अन्य देशों में हैं, और ये सिलसिला निरंतर चल रहा है और हमें जानकारी इसकी मिलती रहती है। और ये बताया गया है कि जो अब फ्लाइट्स आएंगी इनमें भी उत्तराखंड के नागरिक अन्य देशों से, उन्हें भी इसी प्रकार से इवैक्यूएट किया जाता रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी उसको लेकर जिज्ञासा होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इनके संबंध में क्या व्यवस्था की गई है। तो मैंने प्रारंभ से आपको बताया है कि व्यवस्थित रूप से लोग आते रहेंगे तो हमारे जो पूरा चेन है उत्तराखंड में प्रवेश के बाद, किस प्रकार से उनका चेकिंग होगी, हेल्थ चेकअप होगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो रिकॉर्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उनके साथ कौन लोग आए थे, वो कहाँ पर हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए व्यवस्थित रूप से आना बहुत आवश्यक है, स्वयं की सुरक्षा के लिए, और जो आप अपने निकटतम लोगों के पास जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कराएं, हेल्थ चेकअप कराएं और अपनी सारी सूचनाएं दें और फिर आप वहां पर जाएं। जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो हमारा प्रेफर्ड चॉइस है वो है होम क्वारंटीन का, और उन्होंने बहुत सारे इस संबंध में जो साहित्य है, जो रिसर्च है, उसको देखने के बाद, संक्रामक बीमारियों से संबंधित उसको देखने के बाद उन्होंने ये पाया है कि होम क्वारंटीन में भेजना सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। जो मनरेगा के कार्य हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसे समय में मनरेगा के कार्य कर सकते हैं। और जब हम आपसे आखिरी बार मिले थे 3-4 दिन पहले, और तब से अब मनरेगा के कार्यों की संख्या, जो प्रारंभ हुए कार्यों की संख्या भी अब 12,500 से भी अधिक पहुंच चुकी है, और जिसमें श्रमिकों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो चुकी है। मुझे स्मरण है कि जब मैं 3 दिन पहले शायद मिला था या 4 दिन पहले, उस समय लगभग 90,000 कुछ का फिगर था, अब वो फिगर 1.5 लाख हो चुका है। और जो नए जॉब कार्ड्स, वो भी लगभग 4,000, लगभग 3,861 जॉब कार्ड्स भी नए बने हैं, और इनमें से 2,454 व्यक्तियों ने, उन्होंने एज मनरेगा में श्रमिक के रूप में उन्होंने अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। और ये व्यवस्था हमारी निरंतर बनी रहेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर
मनरेगा का कार्य करना चाहता है तो उसे हम इस कार्य में पूरी तरह से उसको सपोर्ट हम देते रहेंगे। उस तरह का हम नहीं रखते हैं कि बाहर से आए हैं या क्या, गांव का अगर आदमी है और वो रजिस्टर होता है तो, लेकिन चूंकि हाल में बढ़ा है तो एक एजम्पशन हो सकता है कि संभवतः जो हाल के जॉब कार्ड्स बने हैं ऐसे व्यक्तियों के हो सकते हैं, लेकिन अभी एक अनुमान है, ऐसा कोई डायरेक्ट सूचना हमारे पास नहीं है। उद्योगों का जहाँ तक प्रश्न है तो लगभग 5000 उद्योगों के को अनुमति दे दी गई है और जो जानकारी हमारे पास है कि इनमें से 75% उद्योग खुल चुके हैं और उनमें लगभग 50% श्रमिक ने काम उसमें करना प्रारंभ कर दिया है। अब इसमें एक जो इंडिकेटर हो सकता है कि हमारे उद्योग प्रारंभ कर अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, वो बिजली की खपत से भी कई बार वो देखा जाता है कि क्या हमारी बिजली की खपत इस बीमारी से पूर्व जिस अवस्था में थी क्या हम उसके आसपास पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे पास जानकारी है 18/3/2020 को विद्युत की मांग 33.60 मिलियन यूनिट्स की थी, जो कि जैसे जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ा और लॉकडाउन हुआ तो ये 28 मार्च को ये फिगर घट के उसका आधा रह गया था, आधे से भी कम हो गया था, 16 मिलियन यूनिट्स। तो 33.6 मिलियन यूनिट्स पर डे की खपत से वो घट के 16 मिलियन यूनिट्स पर आ गया था। अब वो जब हमने ये उद्योग व्यवसाय कुछ मात्रा में प्रारंभ किए हैं तो 28.29 मिलियन यूनिट्स पे पहुंच गया है। तो कोविड से पूर्व जहां ये 33 पे था अब ये 28 से भी अधिक मिलियन यूनिट तक जो है वो इसका मांग, इसकी मांग पहुंच चुकी है और ये निरंतर इस मांग में वृद्धि होती जा रही है। कुछ निर्णय सिडकुल ने भी हाल में लिए हैं, कल ही उनके बोर्ड की बैठक थी और हम कैसे उद्योग को व्यवसाय को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो एक निर्णय कल सिडकुल ने ये भी लिया था कि मदन नई की टेहरी गढ़वाल में हम एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में उसे विकसित करना चाहते हैं। लगभग 26 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है, बहुत अच्छी जगह पे वो है और वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिसोर्ट, हाई एंड रिसोर्ट बनाने के उद्देश्य से एक अच्छा लोकेशन है और जहाँ की यहाँ के नागरिकों को कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा और वहाँ पे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। ये पिछड़ा इलाका है जैसा आप काफ़ी लोग दिग्गज भी होंगे, तो उसके संबंध में हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि इसके संबंध में निविदाएं निकाली जाएंगी और 26 एकड़ अगर बहुत अधिक ज़मीन लगता है किसी को, अगर वो उसका आधा भी लेना चाहें तो हम दो पार्सल में भी इसको कर सकते हैं ताकि वहाँ पर एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में कुछ आर्थिक गतिविधि आगे प्रारंभ हो सके। 14,282 तो लगभग 70,000 लोग यहाँ पर आए हैं, लगभग 14,000 से थोड़े अधिक वो इस राज्य से जा चुके हैं और इसके साथ ही एक बड़ा मूवमेंट हुआ था एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो उसके संबंध में जो सूचना हमारे पास है वो 62,000 से अधिक, लगभग 63,000 का फिगर है जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गए हैं। और इस बीच में तक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। शिक्षा का मंदिर बना व्यापार का अड्डा,
किताब के मूल्य को भी नियंत्रित करना चाहिए। सब जिसका जो मन होता है वो बेचता है। हाँ, निश्चित तौर पे स्कूल प्रबंधक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्कूलों की वसूली पर कब चलेगा सरकार का डंडा? ये एक प्रकार का कमाई का अड्डा बना हुआ, पूरा माफिया ग्रुप चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। बच्चों का भविष्य संवारने को अभिभावक भी मजबूर। जो कमीशन खोरी चल रही है स्कूल प्रबंधन, और वो इसको तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए। अभिभावकों की मजबूरी बनी स्कूल प्रबंधन का गुरूर। मोटी मुनाफाखोरी के चक्कर में, रिश्वतखोरी के चक्कर में वो बार बार ये डिमांड करता है कि इस तरीके कपड़े बनवाइए, ऐसी ड्रेस बनवाइए। देखिए मनीष श्रीवास्तव के साथ, कॉपी किताब और ड्रेस के नाम पर जारी है लूट। बच्चों के मम्मी डैडी को कब मिलेगी लुटेरों से छूट? आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोविड 19 की व्यवस्थाओं के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना को डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पर्यावरण बोर्ड से आवंटित धनराशि 15 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस अवसर पर पर्यावरण के सदस्य सचिव SP सुबोधी भी मौजूद थे। आपको बता दें, डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निरीक्षण और बैठक की थी। बैठक में कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोविड 19 महामारी से रोकथाम के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई थी, जिसके अंतर्गत डॉक्टर रावत ने मास्क, PPE किट, सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि क्रय हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदान की गई धनराशि कोविड 19 महामारी के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध में सहायक होगा। तो आज डॉक्टर सयाना को प्रोग्राम बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी सुबोध जी की उपस्थिति में मैंने 15 लाख रुपए का चेक उन्हें भेंट किया, इस उम्मीद के साथ कि दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का मनोबल बढ़े, वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ का मनोबल बढ़े और वो इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। उत्तराखंड राज्य में लगातार प्रवासियों का आने का सिलसिला जारी है, जिसको देखते हुए दो दिन पहले से ही आश्रय रोडी चेक पोस्ट पर सैंपलिंग की जा रही है, जिस पर अब परिणाम भी आने शुरू हो चुके हैं। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि आश्रय रोडी चेक पोस्ट पर सैंपलिंग की जा रही है, जिसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 दिल्ली से और 1 महाराष्ट्र से आए हुए प्रवासी हैं। इनमें से 1 को एम्स हॉस्पिटल में और बाकी 3 को दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उनकी कॉन्टेक्टिंग जो ट्रेसिंग है वो निकाली जा रही है, और जहां से आए हैं वहां के संबंधित जगहों को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा कल से कुल्हार गेट पर भी सैंपलिंग शुरू कर दी गई। जो है सैंपलिंग की जा रही थी, जो परसों से शुरू हुई थी, उस सैंपलिंग के परिणाम ये रहे कि हमारे यहाँ 4 जो है वो परसों के सैंपल के पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 दिल्ली से और 1 महाराष्ट्र से आए हुए प्रवासी हैं। उन सभी को जो है, उनमें से 1 को जो है एम्स में और बाकी 3 को जो है गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा चुकी है, और जो जिस जगह से आए थे संबंधित जगहों को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा कल कुल्हाल गेट पे हमने सैंपलिंग शुरू कर दी थी, और अब हमारा प्लान है आज या कल तक जो है हम राय वाला जो हमारा बॉर्डर है वहां से भी हम सैंपलिंग करना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिस पर रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ा पैकेज संकट की इस घड़ी में देश को उभारने के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा छोटे बड़े सभी उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया है, जिसका फायदा आम जनता के साथ साथ सभी व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, लघु एवं मझोले वर्गों को मिलेगा। 2020 में देश की विकास यात्रा को
आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते, इस आपदा के चलते, संकट काल की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और लघु उद्योग लगाने के लिए बिना गारंटी के लोन देने की सबसे बड़ी योजना है, जिससे देश का युवा भटकेगा नहीं, जिससे देश का युवा देश के समग्र विकास में अपना योगदान देगा। जहां एक कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार हर तरह से कोरोना संकट को लेकर प्रयासरत है, तो वहीं इस महामारी के समय में उत्तराखंड के होटल संचालक भी सामने आ गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सभी होटल संचालकों ने अपने होटल 14 दिन के लिए प्रशासन को निःशुल्क दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले के होटल संचालक कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। सभी होटल संचालकों ने जिला प्रशासन को अपने होटल 14 दिनों के लिए निशुल्क दे दिए हैं, जिससे इन होटलों में बाहर से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा सके। दरअसल इन दिनों बड़े बड़े महानगरों से लोग अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। महानगरों से लौट रहे लोगों को गांव भेजने पर ग्रामीण भी ऐतराज जता रहे हैं और ग्रामीणों को डर है कि कहीं कोरोना ना फैल जाए। ऐसे में अब बाहर से यहां पहुंच रहे ग्रामीणों को गांव भेजने की बजाय होटलों में भेजा जा रहा है। जिले में 300 से अधिक होटल और लॉन्ज है, जहां अब बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इस फैसले से बहुत खुश है, क्योंकि इस समय हमें भी एक सेवा भाव करने का मौका प्राप्त हो रहा है, जिसे हम बखूबी निभाएंगे। और हमें आशा है कि हमारे इस निर्णय से शासन और प्रशासन को काफ़ी सहयोग मिलेगा, जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। और हमें उम्मीद है कि हम सभी लोग अपने राज्य में, अपने जिले में कोरोना को हराने में विजयी रहेंगे। रुद्रप्रयाग के डीएम मंगेश गिल्डियाल ने कहा कि होटल संचालक भी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। सभी होटल 14 दिन के लिए प्रशासन के पास निशुल्क हैं। रुद्रप्रयाग के सभी होटल संचालकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सब लोगों ने आम सहमति से जिला प्रशासन को निशुल्क 14 दिन के लिए होटल देने की घोषणा की है। और हम लोग कल से जितने भी लोग हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं, उन सबको जनपद के विभिन्न होटलों में रख रहे हैं। अभी तक रुद्रप्रयाग के, अगर रुद्रप्रयाग बाजार और आसपास के होटल की बात करें, तो हमें 1500 की कैपेसिटी मिल गई है, जिसमें से कल 350 के आसपास लोग हमने होटल्स में रख दिए हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी लोग हॉटस्पॉट एरिया से अब आएंगे डिस्ट्रिक्ट में, उनको हम 14 दिन तक इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेंगे और फिर 14 दिन तक होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के संकट में होटल संचालकों की पहल एक अतुलनीय प्रयास है। होटल संचालकों के इस प्रयास से जहां एक तरफ गांव को संक्रमण से बचाया जा सकेगा, तो वहीं प्रशासन को भी क्वारंटीन लोगों के लिए उचित व्यवस्था करना सुलभ हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। सारथी न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया, तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
Mount Literacy School. Now, number one in academics, number one in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literacy School. Now. शिक्षा का मंदिर बना व्यापार का अड्डा। किताब के मूल्य को भी नियंत्रित करना चाहिए। तब जिसका जो मन होता है वो बेचता है। हाँ, निश्चित तौर पे स्कूल प्रबंधक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्कूलों की वसूली पर कब चलेगा सरकार का डंडा? ये एक प्रकार का कमाई का अड्डा बना है, पूरा माफिया ग्रुप चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। बच्चों का भविष्य संवारने को अभिभावक भी मजबूर। जो कमीशन खोरी चल रही है स्कूल प्रबंधन और वो इसको तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए। अभिभावकों की मजबूरी बनी स्कूल प्रबंधन का गुरूर। मोटी मुनाफाखोरी के चक्कर में, रिश्वतखोरी के चक्कर में वो बार बार ये डिमांड करता है कि इस तरीके कपड़े बनवाइए, ऐसे ड्रेस बनवाइए। देखिए मनीष श्रीवास्तव के साथ, कॉपी किताब और ड्रेस के नाम पर जारी है लूट। बच्चों के मम्मी डैडी को कब मिलेगी लुटेरों से छूट? आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहत पैकेज पर वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 करोड़ किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज का लाभ, 2021 तक एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रमिकों पर ध्यान, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए कल से ट्रेन, श्रमिकों का किराया देगी यूपी सरकार। आज से एमएसएमई उद्यमियों के लिए यूपी में लोन मिलने की ऑनलाइन व्यवस्था, 20 मई तक बांटा जाएगा लोन। पीएम के आर्थिक पैकेज का सीएम योगी ने किया स्वागत, कहा कोरोना की मार सबसे ज्यादा श्रमिकों